नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बड़ी खबर में। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। दरअसल चुनावों का माहौल शुरू हो चुका है। चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी सियासी दांवपेच का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि चुनावों से पहले कांग्रेस के आगे बीजेपी ने घुटने टेकने शुरू कर दिए। दरअसल अभी हाल ही में देखने को मिला, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी नोएडा में पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आई, डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आई। अब देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की राह पर बीजेपी नेता भी चलने लगे। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, वो भी जो है डोर टू डोर प्रचार प्रसार करते नजर आए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। तो देखा जा रहा है कि चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी की नकल करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में ऐलान किया था युवाओं को रोजगार देने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, किसानों को कर्ज माफी का, बिजली बिल मुफ्त करने का, तमाम तरह के प्रियंका गांधी ने ऐलान किया था। ठीक वैसे ही ऐलान बीजेपी भी करती नजर आए। तो ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के आगे बीजेपी ने घुटने टेक दिए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जिस तरह से जनता को अपने साथ जोड़ रही है, प्रियंका गांधी जिस तरह चुनाव में मेहनत करती नजर आ रही है, क्या उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल पाएगा, और जनता जिस तरह से कांग्रेस नेताओं की रैलियों में दिख रही है, क्या यही भीड़ वोटर्स में तब्दील हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।